पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद की मुंडा पांडे पुलिस ने ऐसे दो शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर वोटिंग करने पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बीडीसी सदस्यों के फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी आईडी बरामद की है। पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। दरअसल मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार ने एसडीएम सदर हिमांशु के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव की चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक सभागार में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान शातिर गजेंद्र निवासी होली का मैदान, थाना कटघर, दौलतपुर, अजमतपुर के बीडीसी सदस्य नरेश के फर्जी दस्तावेज लेकर वोटिंग करने पहुंचा। वहीं दूसरा आरोपी जमशेद गोविंदपुर के बीडीसी सदस्य अनीस के फर्जी प्रमाण पत्र लेकर पहुंचा। शक होने पर दोनों की जांच की गई तो दोनों युवकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों शातिर अब सलाखों के पीछे हैं। इसमें मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के विरोध कर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग थी, जिसमें दो व्यक्ति फर्जी आईडी के साथ वहाँ वोटिंग करने आए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिखित कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।